हेलो दोस्तों, नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 9, जो कि CHO और RRB के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, विच एनीमा इज यूज टू मेक डायग्नोसिस। ऑप्शन ए परगेटिव एनीमा, ऑप्शन बी बेरियम एनीमा, ऑप्शन सी क्रेमिनेटिव एनीमा, ऑप्शन डी एस्ट्रिंजेंट एनीमा। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Which of the following is vector borne disease? Option A HIV, B malaria, C chickenpox, D tuberculosis. Option B malaria. T-tube drainage is used after the following surgery procedure. ऑप्शन ए मस्टोइडेक्टोमी, ऑप्शन बी कोलिसिस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी लोबेक्टोमी, ऑप्शन डी कोलेस्टोमी, ऑप्शन बी कोलिसिस्टेक्टोमी। दोस्तों, टी ट्यूब ड्रेनेज का डायग्राम आपको बताया गया है, जिसमें फर्स्ट में ये टी ट्यूब है, फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस फॉर TB एक्सेप्ट। ऑप्शन ए आइसोनाइजाइड, ऑप्शन बी थाम्बिटोल, ऑप्शन सी साइक्लोसेरिन, ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी साइक्लोसेरिन। Which antigen is responsible for former lung disease? Option A isocyanates, option B aspergillus, option C micropolyspora phenyi, option D thermoactinomyces phenyi, option C micropolyspora phenyi. फार्मर लंग डिजीज कॉमनली किसानों के द्वारा ग्रेन से जो डस्ट निकलती है उसको इनहेल करने के कारण होती है। जिसका माइक्रोपोलिस्पोरा फेनी मेन कॉज होता है। Which of the following is not a modifiable risk factor of CAD? Option A obesity, B stress, C family history, D smoking. Option C family history. Use of caxylate enema to treat. Option A hyperkalemia, option B hypercalcemia, option C hypocalcemia, option D hypokalemia. ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया। दिस हेल्प्स प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग टू मच पोटेशियम। कैक्सिलेट इज ए यूज टू ट्रीट हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, आल्सो कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। Primary sign of hepatitis. Option A nausea, vomiting, anorexia. Option B jaundice, C fatigue, D dark color skin and urine. Option A nausea, vomiting and anorexia. Which hepatitis is known as post transfusional hepatitis?
ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ई। राइट आंसर ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी। प्राइमरी ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज, ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, सी पेनक्रियाज, डी स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लीवर। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI एक्सेप्ट, ऑप्शन ए एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट, बी मेटेलिक इम्प्लांट, सी आर्टिफिशियल पेसमेकर, डी प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH, ऑप्शन ए ट्रॉमा, बी एटोनिक यूट्रस, सी ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर, डी APH, ऑप्शन बी एटोनिक यूट्रस। एपिसियोटोमी शुड बी डन इन विच स्टेज ऑफ लेवर, ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज। विच फूड आइटम हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीज, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी विटामिन, ऑप्शन सी फैट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम फैट्स कंटेंट से हमें 9 कैलोरी मिलती है और 1 ग्राम अल्कोहल कंटेंट से 7 कैलोरी हमें मिलती है। एवी नोड आर प्रेजेंट इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट, ऑप्शन ए राइट आट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट आट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन ए राइट आट्रियम। दोस्तों ये हार्ट का डायग्राम दिया है जिसमें SA नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर्स का बताया गया है। द टर्म एपोप्टोसिस मीन्स, ऑप्शन ए इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, ऑप्शन डी रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। विच प्रोसेसर इज यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ हार्ट चैम्बर, एग्जाम्पल हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन, ऑप्शन ए कार्डिक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन सी TMT, ऑप्शन डी ECG, ऑप्शन बी इकोकार्डियोग्राफी। विच इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन आफ्टर द CABG, ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी एरिथमियाज, ऑप्शन सी पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन डी MI, ऑप्शन सी पेरिफेरल एडिमा। ओव्यूलेशन अकर इन लैक्टिंग वुमेन आफ्टर डिलीवरी एज सून एज, ऑप्शन ए 4 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 3 वीक्स, ऑप्शन डी 6 वीक्स, ऑप्शन बी 10 वीक्स। नॉर्मल वुमेन में ओव्यूलेशन 4 वीक्स में होता है और लैक्टिंग मदर रहती है उनमें यह 10 वीक्स होता है।
लॉन्गेस्ट स्केलेटन मसल्स, ऑप्शन ए ग्लूटियस मसल, ऑप्शन बी स्टेपिडिस मसल, ऑप्शन सी सार्टोरियस मसल, ऑप्शन डी मेजिस्टर मसल, ऑप्शन सी सार्टोरियस मसल। दोस्तों एक डायग्राम के द्वारा आपको सार्टोरियस मसल बताई गई है। फीमेल पेशेंट विद ए टर्मिनल इलनेस इज ए डेनाइल, इंडिकेटर ऑफ डेनाइल इंक्लूड, ऑप्शन ए सॉफ्ट डिसनिंग, ऑप्शन बी नमनेस, ऑप्शन सी स्टोसिज्म, ऑप्शन डी प्रिपेरेटरी ग्रीफ, ऑप्शन ए सॉफ्ट डिसनिंग। A woman is 6 months pregnant. Which of the following substance is contraindicated? Option A, tetanus toxoid. Option B, retinol, 2 lakh international unit. Option C, ferrous sulfate, 200 mg. Option D, potassium iodide, 200 mg capsule. Option B, retinol, 2 lakh international unit. Which criteria in priority setting of health problem is used only in community health care? Option A, modifiability of the problem. Option B, nature of the problem presented. Option C, magnitude of the health problem. Option D, preventive potential of the health problem. Option C, magnitude of the health problem. Regional hospital is classified as what level of care providing facility? Option A primary, option B secondary, option C intermediate, option D tertiary. Right answer option D tertiary. दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द वीडियो जो दिया था मैंने आपको उसका आंसर है बेरियम एनीमा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। और हाँ दोस्तों अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।